हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये 5 जून 2022 को जो पेपर होने वाला है उसमें थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग प्रीलिम्स कि प्रीलिम्स में आखिरी के जो एक महीना जो बचा है लगभग 29-30 डेज बचे हुए हैं उसमें हमें क्या कैसा क्या करना है। सब कुछ आपका है, अपने हिसाब से चलना। बस ये थोड़ा सा क्या है, आपको 80-90% चीजें उसमें वही मिलेंगी जो आप नॉर्मली करते आ रहे हो। जैसा आप सारी चीजें करते आओगे इस वीडियो में ये भी मैं बता दूंगा एक नॉर्मल के आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कहाँ से करने हैं, क्या करना है, ये सारी चीजें आज के हमारे इस वीडियो में होंगे। जरूरी नहीं इस वीडियो को पूरा मानना, बट ये थोड़ा मेरा जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी का कि आखिरी के 30 डेज में क्या क्या किन किन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें बेसिकली करना क्या रहता है। करने में अगर हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा फोकस रहेगा कि जितनी भी आपकी बेसिक्स है वो बहुत अच्छे हो चुके होंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं कि अभी तक आप बेसिक नहीं कर रहे हो। आप लोग पेपर देने जा रहे हो तो आपके जो बेसिक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, ये सारे के सारे बेसिक्स हैं आपके अच्छे से हो चुके होंगे। इन्हीं को बस थोड़ा सा क्या है ब्रशन अप कर लीजिएगा इन 30 डेज में जो आपने नोट्स बनाए होंगे। ज्योग्राफी जैसे मैंने बताया, आप लोगों ने ज्योग्राफी कहां से पढ़ा होगा, जो जहां तक सबके ज्यादा सोर्सेज है ज्योग्राफी आपने बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ी होंगी जो 11 12th की बेसिक एनसीईआरटी। साथ साथ में आप लोग क्या कर लीजिएगा, जितने भी इस साल भर में प्लेसेस इन न्यूज हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, यूक्रेन, रशिया, ब्लैक सी, जितनी भी जो करंट इश्यूज में जो बातें आती हैं उन सबको थोड़ा देख लीजिएगा। उन सबके थोड़े लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख लीजिएगा, कहाँ पे वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उनका कहाँ पे है, क्या है, कौन से इस बार टाइगर रिजर्व नए आए हैं, कौन से नेशनल पार्क इस बार हुए हैं, किस नेशनल पार्क की बाउंड्री कम हुई है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये जनरली पूछता है। इन सब की परमिशन कौन देता है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को चेयर कौन करता है, एनटीसीए को चेयर कौन करता है, ये कौन से एक्ट से रेगुलेट होते हैं, ये जो चीजें हैं इनके आसपास रिवर्स और नेशनल पार्क क्या है, कोई यूनेस्को हेरिटेज साइट है कि नहीं है, ये सारी चीजें क्या है आपको देखना रहेंगी आपकी ज्योग्राफी में। पॉलिटी के लिए आपको पता है एक ही ग्रंथ है हमारा लक्ष्मीकांत, जिसको आपको थॉरोली देखना है, उसको बिटवीन द लाइन अच्छे से पढ़ना है, वो ही है, उसके अलावा और कहीं मत भटकिएगा। आपको इस टाइम पे आपको बस जो है उसी में आपको फोकस करना है। इकोनॉमी का देख रहे होंगे आप, इकोनॉमी आपने जो भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ी हो, क्लास नोट से पढ़ी हो, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या थोड़ा सा लिंक करके पढ़ना कि भैया इन्फ्लेशन होता है तो फिस्कल डेफिसिट कम होगा, ज्यादा होगा, मार्केट में अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम किया तो लिक्विडिटी हमारी सक होगी या बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हमारे मार्केट में एक्सेस होगी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जीडीपी पे, तो ये सारी चीजें क्या है थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाइज आप लेके चलिएगा इकोनॉमी को, क्योंकि क्वेश्चन क्या है वहीं से आते हैं। इन्वायरमेंट भी देखेंगे तो इन्वायरमेंट भी आपको जैसा पता है एक ही हमारा ग्रंथ है, इसका भी शंकर आईएएस, उसमें आपको काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी, उसके अलावा आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। साथ साथ में जो इन्वायरमेंट का जो करंट अफेयर है, जो इस बार की जो आपको वार्सा का जो क्लाइमेट समिट हुई थी उसकी थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, और किसी भी कंट्री का बायलेटरल इंडिया के साथ अगर कोई एग्रीमेंट हुआ तो वो भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो या आपने पढ़ा हो तो एक रिपोर्ट आती है उसकी समरी जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट में, अगर आप देखेंगे मेंस में भी आपको काम देगी लेकिन साथ साथ में आपको प्रीलिम्स में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मदद करेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की एनुअल रिपोर्ट है, आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की जो वेबसाइट है वहां पे आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी। टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा, कंपलसरी नहीं, बस ये आपको एक थोड़ा सा एड ऑन कर देगी। हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री हमें पता है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, और इस पे जो हमारी है वो स्पेक्ट्रम है उसी पे हमें ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा जो हमारी जो बात रहती है कि हमें मेडिवल और जो हमारी एंशियंट रहती है उसको हमें कहां से फोकस करना है, तो देखिए आज के डेट में मेडिवल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रही है यूपीएससी, तो मेडिवल और ये आप एनसीईआरटी प्लस आपको लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बोलते हैं लूसेंट थोड़ा सा स्टेट स्पेसिफिक होती है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपको इधर से मिलते हैं लूसेंट, तो लूसेंट भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो काफी आपको एक अलग से एक ग्रोथ दिखेगा। साथ साथ में जो अगला क्वेश्चन रहता है आपका कि हम कितने क्वेश्चन करें प्रीलिम्स में, अटेम्प्ट कितने करें, कोई बोलता है 80, 90, 60, 55, तो इसको मैं कोई क्लियर कट जवाब नहीं दूंगा, जैसा आप लोगों को पता है मैं नहीं देता हूं। लेकिन दूसरा अगर इस पर हम देखें तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स में देखें सबसे पहले जो हमारा एक्यूरेसी कि आप कितनी एक्यूरेसी कर रहे हैं, ये इसका भी तरीका बताऊं एक्यूरेसी आप कैसे देख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया 80 क्वेश्चन का, उसमें से आपके 40 सही हो रहा है 40 गलत हो रहा है, तो मीन्स एक्यूरेसी आपकी क्या बहुत वीक है। तो अगर ऐसी एक्यूरेसी है तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 60 या 65 करके आना है,
एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो फिर तो नो डाउट आप 70 करके आओ, जैसे मैं 67, 72, 73 बस इससे ज्यादा करके नहीं आता था, लेकिन एक्यूरेसी क्या अच्छी रहती थी। तो अगर एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो फिर आप कम करिए क्वेश्चन को, तुक्के बिल्कुल मत लगाइए। पेपर का डिफिकल्टी देखिए, पेपर के हिसाब का डिफिकल्ट आता है, अगर इजी आता है तो आपको यकीनन आपको भी इजी लगेगा, तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, टफ लगेगा तो सबको लगेगा, तो आप ऑटोमेटिक आपकी भी क्या रहेंगे थोड़ा सा जो अटेम्प्ट है क्वेश्चन के वो कम होंगे। अब साथ साथ में ये होता है कि भैया हम कैसे प्रिपेयर करें, अब इन 30 दिनों में हम कैसे ये सब चीजें चेक करें कि हमारा एक्यूरेसी कितना है क्या नहीं है, तो इसका एक ब्रह्मास्त्र है कि आप मॉक टेस्ट दें, किसी भी इंस्टीट्यूट के दें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, इससे आपको लग जाएगा कि पैटर्न कैसा आता है, डिफिकल्टी कैसी रहती है यूपीएससी में, और तीसरा हमारी एक्यूरेसी कैसी है, हमने जो पढ़ा है वो किस हिसाब से क्या सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कौन सा हमारा एरिया वीक है जिसपे हमें और ज्यादा फोकस की जरूरत है इन 30 डेज में। तो ये सब क्या है आप करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, और जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना तो उनकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आपका सही है तो खुश हो गया, गलत हो गया दुखी हो गया, जो उसका बहुत ज्यादा डेप्थ में रहता है उसको भी पढ़ेंगे, वो भी एक आपका क्या है रिविजन ही का फॉर्म है, तो वो आपको बहुत ज्यादा मदद देगा, ठीक है। और जैसा मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ताकि आप समझेंगे यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, और आप जिस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या वहां के अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उनके कैसे रहते हैं। अब जो मैंने बताया जो मेरा है जो नॉर्मल 70 to 80, अगर इसमें से अगर आपके 20 भी गलत हो जाते हैं, अगर आप 60 सही कर रहे हैं तो जिस हिसाब से भी कट ऑफ जा रहा है 100 के आसपास आप उसमें आराम से आ जाएंगे, तो आपको 80 प्लस जाने की भी जरूरत नहीं है, और 70 से कम भी थोड़ा सा क्या है दिक्कत है, 70 टू 80 जाते हैं अगर आप 75 करते हैं और उसमें अगर 55 60 सही जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है निकलने की उम्मीद रहेगी। उसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन रहता है जो बहुत से इग्नोर कर देते हैं सीसेट, सीसेट एक ऐसा पार्ट है जिसे आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कितनी अच्छी कमांड है, अगर आपकी वीक कमांड है तो आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप इसमें 10 मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए वो आप लगा के जाएंगे तो आपको ज्यादा इसमें बेनिफिट होगा। अब सर्टन आपके क्या है डूज एंड डोंट्स जो आपको करना रहेंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें, तो सर्टन जो डूज है जो करना है थोड़ा सा एक ख्याली बातें लगेंगी रामदेव बाबा टाइप की, लेकिन आपको थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करना रहेगा, मेडिटेशन करना रहेगा, अपार्ट फ्रॉम आप बिलीव अपने आप पे तो करोगे कि यार मैंने साल दो साल तीन साल जितने साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं कि हमें अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव है कि हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, साथ साथ में करंट अफेयर पे फोकस करना और जो आपके खुद के नोट्स हैं उसमें थोड़ा सा क्या है अपना रिवाइज करते रहना, और कुछ ज्यादा आपको नया सोर्स नहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट्स में यही है कोई ऐसे ग्रुपिंग में मत जाओ जहां आप अपने आपको अनकंफर्टेबल फील करते होते ना ज्ञानी लोग कि आप जा रहे हो और आपको हर जगह आपका क्या है वो बोला जा रहा है कुछ नहीं आ रहा है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन लग रहा है तो वहां बिल्कुल भी मत जाना, कोई नई स्ट्रेटेजी मत बनाना, मेरी भी फॉलो मत करना, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी जो है उसको आप फॉलो करते चलो, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप वो फॉलो नहीं करते हो तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा है आपका छोटा सा टाइम लिया हूं मैं, ऑल द बेस्ट आपका जो 5 जून का, साथ साथ में जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं वो भी आते रहेंगे, आपके जो वीडियोस मेरे आ रहे हैं कंटिन्यूस करंट अफेयर के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।